हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में जेई मेन 2023 का फंक्शन से एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ फंक्शन निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो कि डिफाइन फ्रॉम 1, 2, 3, 4 से 1, 2, 3, 4, 5 में डिफाइन होंगे, और वो फंक्शन ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, f1 + f2 = f3 होना है। तो कितने फंक्शंस होंगे वो निकालना है। सॉल्यूशन, फंक्शन जो होना है 1, 2, 3, 4 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां पे फंक्शन होना है। और ये फंक्शन कौन सा कंडीशन, f1 + f2 जो भी होगा वो f3 होना है। तो f1 और f3 का वैल्यू f1 और f2 का साम f3 होना है, लेकिन जो 4 है ये 4 का इमेज कुछ भी हो सकता है। ये फंक्शन जो भी फंक्शन होगा इस रूल से कंट्रोल होगा, लेकिन 4 1 में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, 4 में भी, 5 में भी, 6 में भी। तो कोई भी एक पॉसिबल पेयर f1 और f2 के लिए हमको 6 पॉसिबल फंक्शंस मिलेंगे, जो भी डिटरमाइन होगा ये 4 का फंक्शनल वैल्यू से। f1 कहीं पे चला गया, सपोज f1 1 में चला गया, f2 2 में चला गया एंड f3 3 में चला गया। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो f1 इज 1, f2 इज 2 एंड f3 इज 3। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है जो भी हमको दिया गया है। तो वो कंडीशन में f(4) 1 होने से एक फंक्शन होगा, f(4) 2 होने से दूसरा फंक्शन होगा। तो इस प्रकार कोई भी एक पॉसिबल ट्रिपलेट के लिए, सपोज f1 f2 f3, इसके लिए एक पॉसिबल f1 f2 f3 के लिए हमको 6 फंक्शंस मिलेंगे, 6 फंक्शंस जो कि डिटरमाइन होगा f4 से। तो f4 का वैल्यू को क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करके कोई भी एक ट्रिपलेट f1 f2 f3 के लिए एक फंक्शन मिलेगा। कोई भी एक ट्रिपलेट f1 f2 f3 के लिए हमको 6 पॉसिबल फंक्शंस मिलेंगे जो कि डिटरमाइन बाय वैल्यू ऑफ f4। अभी फंक्शनल f1 और f2 सम करने से अगर f1 = 1, f2 = 1 होने से f3 = 2 हुआ तो ये पॉसिबल हो सकता है। उसका मतलब f1 का वैल्यू अगर x है, f2 का वैल्यू y है, तो x + y का वैल्यू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, दोनों को प्लस करने से 1 नहीं हो सकता है। तो फिर हमको ये इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, x + y = 2, x + y = 3, x + y = 4, x + y = 5, x + y = 6। ये सभी इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस होंगे वो निकालना होगा, और उसको 6 से मल्टीप्लाई करने से टोटल नंबर ऑफ फंक्शन मिलेंगे। तो हमको एक फॉर्मूला मालूम है, x + y + z = अगर n हुआ तो ये इक्वेशन सॉल्व करने वाले कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है वो होगा n-1 c। कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, तो 3 - 1 = 2। x + y + z = n ये इक्वेशन में अगर xyz पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इतने मिलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल यहाँ पे कितने होंगे, कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। सम कितना है ना, 2 - 1 n - 1 c, वेरिएबल 2 है, यहाँ पे 3 वेरिएबल थे, 2 हुआ, 2 वेरिएबल में 1 होगा।
ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले 1C1 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे, ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले 2C1 नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे, और इसमें हमको कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 3C1, 4C1, 5C1। उसका मतलब यहाँ पे 3C1 मतलब 3 पेयर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। क्या क्या हो सकता है, 1 + 3 = 4 हो सकता है, 3 + 1 = 4 हो सकता है, 2 + 2 = 4 हो सकता है। का मतलब क्या है, सो एफ ऑफ 1 का वैल्यू 1 हो सकता है, एफ ऑफ 2 का वैल्यू 2 हो सकता है, तो फिर एफ ऑफ 3 का वैल्यू हम 4 ले सकते हैं, एफ ऑफ 2 का वैल्यू 3। सो 1 और 3 ये पेयर ऑफ सॉल्यूशन, 1, 3 और 4 ये तीन हमारे ये ट्रिपलेट एक फॉर्म करेंगे, तो टोटल कितने होंगे, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, तो कितने होंगे, 3, 6, 6 + 4, 10, 15। तो टोटल नंबर ऑफ 15 ट्रिपलेट मिलेंगे जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, 15 × 6। ये 6 कहाँ से मिला है, सो 4 का फंक्शनल वैल्यू 6 वे से डिटरमाइन होंगे, हो सकते हैं, तो फिर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इज 6, 15 और 19। तो हमको टोटल 19 नंबर ऑफ फंक्शंस मिलेंगे जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। तो आंसर इज, देखो आंसर इज बी। तो ये प्रॉब्लम का आंसर हमको बी मिला है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।